हेलो, यस गुड सर, मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. एम आई गुड ऑडिबल? मॉर्निंग सर, यस सर। ओके. सो लास्ट क्लास हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कंप्लीट किए थे. वहां से कोई क्वेश्चन? एनी डाउट? सर अगर ड्रॉ करते वक्त सर एंगल ठीक नहीं होगा तो भी चलेगा? एंगल एग्जैक्ट तो 104 109 ऐसा नहीं ना हो सकता है, तो एवरेज मोटा मोटी दिखने लायक बनाना पड़ता है. ठीक है. अब एक ही बार क्या होता है, पहले हम लोग सी एच फोर, फॉर एग्जाम्पल सी एच फोर पहले ड्रॉ करते थे तो हम तो चारों हाथ अलग अलग रखते थे, लेकिन जब तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हो तो फिर उसके बाद सी एच फोर का जो ड्रॉइंग होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से करना, यहाँ पे किया हुआ है. जैसे कि सोचो, पहले सी एच फोर तुम ऐसे ड्रॉ करते थे, यह सी एच फोर, लेकिन यस हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद पता चला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो इसको ऐसे ना ड्रॉ करके ऑन एन एवरेज मुझे किस तरीके से ड्रॉ करना होगा. सर, यस. सो हाइब्रिडाइजेशन का ये इंपॉर्टेंस होता है. एनीथिंग एल्स? आज का नया टॉपिक जो हम लोग करें कवर करेंगे आज के लेक्चर में वो है वेस्पर थ्योरी, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेस्पर थ्योरी. वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. कैसे याद रहेगा ये? वेस्पर भूल सकते हो तुम लोग, लेकिन ये याद रखोगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. और ये रटने की जरूरत नहीं है, इसको एक्सप्लेन जब हम लोग करेंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा कि वेस्पर का फुल फॉर्म क्या होता है. ओके. ये तीन मेन इंपॉर्टेंट सर पॉइंट इसका है वेस्पर मतलब का. कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन करता है। देखेंगे हम लोग, देखो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं फिर समझ में आ जाएगा. इसके जो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो स्लाइड में लिखा हुआ है ऑलरेडी. सबसे पहला पॉइंट है, जो कि काफी ऑब्वियस सा बात है, कि रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे डिटेल में, पहले मैं एक बार रीड कर लूं. दूसरा पॉइंट याद रखना कि इफ सेंट्रल एटम कॉन्टेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन इट सेल्फ, अपने आप से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ के रखा है तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन जो है वो घट जाता है. इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे. थर्ड पॉइंट को डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद बता सकते हो. दैट रिपल्शन बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड TBTB, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. इजंट इट? ये थर्ड पॉइंट में किसी को डाउट होगा क्या? थर्ड वाला एक बार बोल दीजिए तो। सपोज करो कि एक सिंगल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, ये लोग के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, या डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बीच का रिपल्शन ज्यादा होगा? सोच के बताओ जरा मुझे. ट्रिपल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड का ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली तीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, यहां टोटल चार इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन हो रहा है. डबल बॉन्ड में दोनों तरफ चार चार इलेक्ट्रॉन हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में एज इट इज अगर हम लोग कहें तो छः छः इलेक्ट्रॉन हैं. तो सबसे ज्यादा जहां, सिंपल सा बात है, जहां पे चार्ज ज्यादा होगा वहां पे रिपल्शन भी ज्यादा होगा. इजंट इट? क्योंकि मैंने तुम लोग को एक कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला बताया था, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, चार्ज के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर ये Q1 पकड़े और इसको Q2 पकड़े तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन. सो थर्ड पॉइंट प्रिटी ऑब्वियस सा बात था, इसीलिए थर्ड पॉइंट को उतना डिटेल में हम मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, ये काफी इंटरेस्टिंग है. तो एक पहले पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हैं. पहला पॉइंट बोल रहा है कि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन,
और इंटरमीडिएट आ जाता है लोन पेयर से बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि NF3 CH4 NH2 तीनों का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो SP3 है। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना? NF3 CH4 NH2 तीनों का हाइब्रिडाइजेशन SP3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल तीनों का अलग अलग आता है। बॉन्ड एंगल NF3 का जो है 107 डिग्री के आसपास होता है। एक्चुअली में कितना होना चाहिए था अगर SP3 होता तो? 109.28। यस, सो ये होता है CH4 का, और वाटर का सबसे कम 104 डिग्री के आसपास होता है। ऐसा क्यों है? इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको ड्रॉ करता हूं। वाटर में सर लोन पेयर रिपल्सन होता है, इसीलिए देखते हैं। सो मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, CH4 NF3 और NH3 जो भी हो सकता है, एंड योर H2, इन तीनों को हम लोग ड्रॉ करते हैं। एक्सप्लेन पॉइंट वन। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गया है तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाता है CH4। यहां पर देखो, यहां पे जो रिपल्सन है, मैंने तुम लोगों को जब SP3 हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था उस वक्त मैंने क्या बताया था, कैसे हाइब्रिडाइजेशन को समझना है। मैंने कहा था कि एक पॉइंट से चार पेन को अटैच कर दो और उनके बीच में सोचो कि वो चार्ज में है और आपस को रिपेल कर रहे हैं, तो सबसे वेल अरेंज्ड फॉर्म कौन सा होगा, ऐसे समझाने की कोशिश की थी, है ना? तो वैसे ही सोचो कि ये सी जो है ये एक मेन पॉइंट है और यहां से ऐसे ये चार चार्ज्ड पेन है, ये पेन है या स्टिक है जिनके ऊपर चार्ज है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, तो एक्चुअली में ये चार्ज स्टिक्स हैं। तो सबसे स्टेबल फॉर्म कब होगा, जब ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी बना के रखेंगे, सारे के सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे, है ना? तो यहाँ पे जो रिपल्सन अवेलेबल है, जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, वो कौन सा रिपल्सन, जैसे ये बॉन्ड आपस में रिपेल कर रहा है, ये इस द ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, ऐसे एंड सो ऑन, सारे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये किस तरह का रिपल्सन है? ये है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्सन। बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, तो एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को रिपेल कर रहा है, इसको कहा जाता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इज इट क्लियर और नॉट? हेलो, क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे देखो, NF3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। NF3 में एक लोन पेयर होता है, ठीक है, और लोन पेयर का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ बॉन्डेड नहीं हुआ है। तो क्या होगा कि ये बॉन्ड आपस में तो रिपल्सन कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है, और ये रिपल्सन हो गया मेरा बॉन्ड पेयर रिपल्सन के साथ है, और ये लोन पेयर क्या कर रहा है, इधर इसको पुश कर रहा है। तो ये जो रिपल्सन हो रहा है ना, ये रिपल्सन हो रहा है लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का। और प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा है। अगर ज्यादा नहीं होता तो ये 109 डिग्री होना चाहिए था इसका एंगल, जैसे यहाँ पे है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यहाँ पे ये रिपल्सन ज्यादा हो गया। ये रिपल्सन जो है ये ज्यादा होता है, एज ए रिजल्ट ये बॉन्ड एंगल 109 से घट के 107 डिग्री के आसपास हो जाए। समझ में आया अनंत? अनंत क्लियर हुआ ये बात? यस सर। अब मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना दूं, तो वाटर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ये मैंने डॉट दो बॉन्ड दो लोन पेयर हो गया था। यस, दो लोन पेयर हो जा रहे हैं, लोन पेयर के ऊपर काफी बड़ा हो गया था। यस, ये लोन पेयर को मैं ऐसे एक सर्कल में बना के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये दोनों लोन पेयर आपस में भी धक्का कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज्ड हैं, फ्री चार्ज, आपस में रिपेल करेंगे, तो ये हो जाएगा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन।
यहां से ये जो रिपल्शन होगा ये होगा लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, है ना, और ये बॉन्ड जो है आपस में भी रिपेल करेंगे तो ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब जरा सोचो अगर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता, उल्टा सोचो, सपोज करो कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन सबसे अगर ज्यादा होता तो क्या होता, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाना चाहिए था 107 से और ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि ये लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बहुत हाई होता है, ये हाईएस्ट होता है, ओके, और ये उसके बाद हाई होता है और ये सबसे लो होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है और ये 102 या 104 के आसपास आ जाता है, बुक में अपना देख सकते हैं। यस बोलो सर। सर ये जो शेप हम लोग बनाते हैं इन मॉलिक्यूल्स का, ये क्या मतलब एक्चुअल शेप है? बिल्कुल ऐसा ही एक्चुअल शेप है, जैसे ये जो है ना ये प्योर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, ये प्योर टेट्राहेड्रल है क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टॉर्टेड क्योंकि देखो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, वेस्पर थ्योरी में हम लोग यही पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और ये कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड हो गया, लास्ट वाला वाटर मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड हो जाता है, और ये कुछ देखने में वी शेप का नहीं लग रहा, इन्वर्टेड वी शेप, तो इसको कहा जाता है वी शेप, इसको कहा जाता है वी शेप्ड, या फिर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन डिस्टॉर्टेड हो गया, तो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल और वी शेप्ड वाटर मॉलिक्यूल को वी शेप कहा जाता है। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा ये क्लियर हुआ होगा, दैट रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड इट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट को देखते हैं हम लोग, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि सेंट्रल एटम अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कॉन्टेन कर लेता है तो उसका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन है वो घट जाता है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे कि दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक है NH3 और एक है NF3, दोनों का तो हाइब्रिडाइजेशन सेम ही होगा, इसका भी sp3 होगा, डिस्टॉर्टेड हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो दोनों का स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं तो दोनों कुछ ऐसा दिखना चाहिए, NH NH NH, और इसका ऐसा होना चाहिए। अब तुम लोग बताओ इसके बीच का बॉन्ड एंगल बराबर होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, अभी वेस्पर थ्योरी को भूल जाओ, सिंपली सोच के बताओ। सब बराबर होने चाहिए क्योंकि उनका दोनों yes, सेम है। यस एक्चुअली में दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, दोनों में एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, ये रहा, प्रैक्टिकली देखा जाता है कि NF3 के बीच में बॉन्ड एंगल है 106 डिग्री और NH3 के बीच में बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, बॉन्ड एंगल अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों है? इसके ऊपर एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया रहता है, NCERT में भी एक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिया है, तो ऐसा क्यों है यह क्वेश्चन, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है और यहाँ पे शायद 106 डिग्री है, ठीक है, ये देख लेना, ये प्रैक्टिकल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बुक में से थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लेना तुम लोग। तो ये बॉन्ड के बीच का एंगल का डिफरेंस क्यों आया, ये है क्वेश्चन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा अपना पुराना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, याद है क्या था? फोन, यस, फोन क्लब से देन कलकत्ता इंडियन पब्लिश्ड एंड लास्ट इज हाइड्रोजन, सो दिस इज योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज, इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन, तो मेरा इससे काम बन जाएगा। अगर मैं पूछूं
कि यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो तुम्हारा आंसर ऑब्वियस होगा नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या होता है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, यही था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रख लेगा, मतलब ये बॉन्ड में जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वो नाइट्रोजन के पास क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको ऐसे करके सर्कल में दिखा दे रहा हूँ। और जरा यहाँ बताओ, NF3 में N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फ्लोरीन? यहाँ देखो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन? फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑब्वियस सा बात है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर ऑक्सीजन एंड फिर नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये रहा फ्लोरीन के पास चला आया शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा तुम लोग मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे करीब में है, यहाँ पे पास में है या यहाँ पे पास में? सर NH3 में ज्यादा पास में, NH3 में ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी पास है और NF3 में ये एक दूसरे से थोड़ा रिस्पेक्टिवली दूर है, तो रिपल्शन तो यहाँ भी होगा, रिपल्शन यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन जो है इज मोर एज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज्ड टू ईच अदर। यस और नो? हेलो, इज इट ओके? हेलो, यस, क्लियर हुआ ना? यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के काफी पास हैं, इसके वजह से इस बॉन्ड के और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन जो है वो बढ़ गया। उसका उल्टा बात मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन डिक्रीज हो गया, है ना? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन जो है वो डिक्रीज हो गया, बिकॉज सेंट्रल एटम कॉन्टेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का रिपल्शन घट गया क्योंकि सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पकड़ के रखा है। यही तो जो मैंने अभी लिखा, यही तो सेकेंड पॉइंट था। यस और नो? यही सेकेंड पॉइंट लिखा था हमने। जस्ट लुक, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेस्पर थ्योरी। एनी क्वेश्चंस? यस, एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ NCERT से है कि although geometries of NH3 and H2O molecules are distorted tetrahedral, bond angle in water, water का bond angle जो है वो कम होता है than NH3. क्या इसका आंसर कर सकते हो तुम लोग अब खुद से? बोल रहा है दोनों का ही जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर हो रहा था वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। अभी हमने डील किया, ये दोनों डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लेकिन वाटर में जो है बॉन्ड एंगल कम है कंपेयर टू NH3, ऐसा क्यों है? कौन बताएगा? एनीवन बताओ। यस, एक्सप्लेन एनीवन। सर एमोनियम का केस में सर सिर्फ एक लोन पेयर है और दो बॉन्ड पेयर है जिसके वजह से उनके अंदर का रिपल्शन उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वाटर के केस में सर दो लोन पेयर होने की वजह से उनके अंदर का रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से सारे पेयर्स क्लोज हो जाते हैं, इसलिए एंगल छोटा हो जाता है। इस तरीके से नहीं बताओगे इसको, देखो अभी हमने एक्सप्लेन किया था ना,
तुम लोग इसको क्या बोलोगे? इन वाटर, इन वाटर लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन ऑल आर प्रेजेंट, बट वी नो दैट लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ NH3 और NF3 जो भी हो, ओनली लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन प्रेजेंट एंड बॉन्ड पेयर रिपल्सन. यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन है ही नहीं NH3 में, है ना? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच का रिपल्सन सिर्फ वाटर में है और ये रिपल्सन सबसे ज्यादा है. तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वी नो दैट लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन. दैट इज व्हाई इन वाटर मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज स्मॉलर. इज इट क्लियर नाउ? यस. देखो मैंने जो कहा वही यहाँ लिखा हुआ है, ये थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, तुम लोग चाहो तो अपने हिसाब से बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम. तुम लोग अपने हिसाब से जैसे मैंने समझाया वैसे बोलो कि यहाँ पे जो है ये लोन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है. यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, लोन पेयर रिपल्सन है और बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन है. फिर तुम बोलोगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी वी नो दैट लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर. समझ में आया? यस. देखो ये क्वेश्चन, एक इस तरह का क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे इसको एक्सप्लेन करने के लिए. डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5. PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताने बोल रहा है. Why are the axial bonds longer as compared to equatorial bonds? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो तुम लोगों को मैंने सिखा दिया था, पहला पार्ट तो कर सकते हो यहां से यहां तक. Yes or no? Yes, sir. कैसे करते थे हम लोग, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो ग्राउंड स्टेट में, फिर एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप करा दो, फिर देखो कितना सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बचा, 1s 3p और 1d, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d. यहाँ तक तो हमने किया था. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि वाई आर द एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर कॉम्पेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड. एक्सियल और इक्विटोरियल क्या होता है? यस, एक्सियल एंड इक्विटोरियल क्या होता है? इसके लिए हमें पहले PCl5 इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और ये स्ट्रक्चर तुम लोगों को मैंने सिखा दिया है ऑलरेडी. क्या करते थे, सबसे पहले हम एक बेस का ट्रायंगल बनाते थे और फिर वहां पे सेंट्रल में फॉस्फोरस बिठा के तीनों कॉर्नर पे क्लोरीन बिठा देते थे, एंड देन ऊपर और नीचे एक एक और क्लोरीन बिठा देते, है ना? तो यहां तुम लोगों से पूछा है कि ये है एक्सियल बॉन्ड, ये भी एक्सियल बॉन्ड है ऊपर और नीचे वाला, और ये बाकी जो तीन बचे ये तीनों हमारे क्या हो गए? इक्विटोरियल बॉन्ड हो गए. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये इक्विटोरियल बॉन्ड जो है ये छोटे क्यों हैं एक्सियल बॉन्ड से? एनी एक्सप्लेनेशन? हेलो, एनी आइडिया? यस सर. बोलो. देखो यहाँ पे जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि ये जो बॉन्ड है इक्विटोरियल है. यस सर. ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पांच बॉन्ड है जो ये सेंटर में 120 डिग्री एंगल एक दूसरे से बना रहे हैं, ये सारे जो है हमारे इक्विटोरियल बॉन्ड्स हैं. द रिमेनिंग टू बॉन्ड, मतलब ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड कहते हैं.
और ये कितना एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है बाकी सबसे। एक्सियल बॉन्ड जो है बॉन्ड पेयर सफर मोर रिपल्सन देन द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड पेयर आर स्लाइटली लॉन्गर देन द इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर। देखो चीज क्या बता रहा है कि ये रहा P और ये ऊपर नीचे जो क्लोरीन है इसमें रिपल्शन करने के लिए तीन फैक्टर है। ये दोनों एक दूसरे, ये सारे आपस में ऐसे ऐसे रिपल्शन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड है इसको ये तीनों मिलके धक्का दे रहे हैं, है कि नहीं। तुम खुद एक प्रैक्टिकल से चीज सोचो, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करना बहुत आसान है अगर तुम लोग का इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है। तुम लोग अगर सोचो, मैं हमेशा कहता हूं कि एक बॉन्ड को एक चार्ज स्टिक की तरह समझो या एक मैग्नेट की तरह समझो, एक ही पोल वाला मैग्नेट। तो तीन अगर मैग्नेट ऐसे बिछाए हुए हैं और मैं एक मैग्नेट को ऊपर और नीचे रख दूं तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके ऊपर पड़ेगा? यस हेलो हेलो, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर, यस यस सर। ये अगर तीनों एक प्लेन पे हैं तो ये प्लेन वाले जो है ना, ये सारे मिलके ऊपर और नीचे जो बॉन्ड है उसको धक्का दे रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और इस रिपल्सन के वजह से वो बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको डील करते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अलावा एक और ज्योमेट्री हो सकता था CH4 का, वो कौन सा? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में भी चार बॉन्ड होते हैं और टेट्राहेड्रल में भी चार बॉन्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कार्बन जो है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं बनाता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। आई थिंक दीपक ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, है ना, कि टेट्राहेड्रल क्यों बनाता है, स्क्वायर प्लेनर क्यों नहीं बनाता। ये क्वेश्चन एग्जाम देखो NCERT में है कि sp3 क्यों बनाया, dsp2 क्यों नहीं बनाया, इसको कैसे आंसर करेंगे हम लोग। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। व्हाट हैपेंड टुडे? करो हाइब्रिड, इसका करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करके बताओ मुझे। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो सर। अब क्वेश्चन फिर से देखा। क्वेश्चन है CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों है और dsp2 क्यों नहीं है, यह है क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, सबसे पहला काम क्या करोगे लोग, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। यस सर। करो 1s2 2s2 2p2 2p2। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट। चलिए कि इसमें तो डी में एक भी नहीं है। ग्राउंड स्टेट इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप होगा। एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कुछ ऐसा। ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे हाफ फील्ड सबसेल है, तो यहाँ एक एस है और यहाँ तीन पी है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 एंड नॉट dsp2। तो यही आंसर है, यही आंसर है। yes. इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा नॉट dsp2। तो यहाँ देखो मैंने वही पे वही चीज जो मैंने बताया वो यहाँ किया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज नहीं करेंगे हम लोग, हमारे पास 10 मिनट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ये एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड ही है लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। व्हाई इज इट स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का जो बेसिक प्रिंसिपल ये था
इसको हम लोग कहते थे शेयरिंग, है ना, शेयरिंग करेंगे, लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, नॉट ओनली शेयरिंग बट रादर वी आर डूइंग म्यूचुअल शेयरिंग। डिफरेंस क्या है शेयरिंग में और म्यूचुअल शेयरिंग में बताएगा? यस अनंत, शेयरिंग और म्यूचुअल शेयरिंग में अंतर क्या है? म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है बाई डिरेक्शनल, अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो मैं उससे भी दो इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैंने किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मैं उससे भी रिटर्न में एक इलेक्ट्रॉन लूंगा, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। ओके, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का शेयरिंग होगा जहां पे एक एटम जो है दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन शेयर तो करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन उसको बोलेगा लो तुम इसको शेयर करो, डोनेट नहीं कर देगा, अपने पास भी रखेगा और उसको बोलेगा लो शेयर करो, लेकिन उससे कुछ लेगा नहीं। इस तरह के शेयरिंग को हम लोग कहते हैं, जब ऐसा शेयरिंग होगा तो उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? इसका वेल नोन एग्जांपल है ओजोन, O3। तो O3 का स्ट्रक्चर जरा बनाओ तुम लोग, O2 का स्ट्रक्चर पता है तुम लोगों को? यस, एम आई ऑडिबल? यस यस, छः छः इलेक्ट्रॉन देखो ऑक्सीजन का हो गया और मेरे पास है 3 ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन ये रहा। अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने जाएं तो तुम लोग बोलोगे कि ये ऑक्सीजन जो है उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, अगर उससे 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उधर वाला ऑक्सीजन भी इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, सो दे आर स्टेबल, दे फॉर्म O2 मॉलिक्यूल। अब ये ओजोन कहाँ जाए, थर्ड ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है इसके बगल वाला, ये बोलेगा ओके तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, काम करो ये लो मेरा ये 2 इलेक्ट्रॉन, तुम अपने साथ शेयर तो कर लो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि उससे कुछ लेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो एक स्पेशल टाइप का शेयरिंग यहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का शेयरिंग हो रहा है जहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन इससे कुछ ले नहीं रहा है और अपने पास भी रख रहा है उसको। इस तरह के स्पेशल शेयरिंग को कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कैसे बॉन्ड इन्वॉल्व है, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ पे ये एक जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। व्हाइल राइटिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड यू मस्ट शो ऑल द लोन पेयर अवेलेबल, लोन पेयर अवेलेबल जो जो है सबको दिखाना होगा। तो यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ये जो बॉन्ड बना ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो 2 एटम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे तो रहा है, अपने पास भी रख रहा है लेकिन उससे कुछ मांग नहीं रहा है, सो इट इज स्पेशल टाइप ऑफ शेयरिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? कह दो हेलो, यस इज क्लियर और नॉट? If yes, then go for it. Structure बनाओ SO2 का, SO2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, come on fast.
चेक करना सबका ऐसा आया या नहीं। हेलो, ऐसा आया सबको? यस सो दीपक तुम्हारा आया? हेलो, यस दीपक आया तुम्हारा? दीपक आर यू अवेलेबल? ओके, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। सो ये तुम लोग का होमवर्क है, इन तीन इन चारों का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजोगे। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, ये पांचों का SO3, NO2, NO3 माइनस, N2O, CO3 2 माइनस। दिस इज अप टू टुडेज क्लास। एनी क्वेश्चंस? अनंत, एनी क्वेश्चंस? देन आज कोई और लेक्चर नहीं होगा, ठीक है? मैं एक फिजिक्स का लेक्चर हो सके शाम तक भेजूंगा, उसको देख लेना, और केमिस्ट्री का आज और कोई क्लास नहीं होगा। कोई क्वेश्चन यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन तक? नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रोबेबली। No questions?